औरंगाबाद में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी और अनुसेवकों ने जमकर बवाल काटा है। सांसद सुशील कुमार सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कर्मचारियों ने पहले तो शहर के सड़कों पर प्रदर्शन किया और फिर सांसद आवास की ओर बढ़ने लगे, लेकिन भारी संख्या में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें जिला अधिकारी आवास के सामने ही रोक लिया। इसके बाद आक्रोशित अनुसेवकों ने सड़क पर ही बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया, तो वहीं कुछ अनुसेवकों ने अर्धनग्न प्रदर्शन भी किया। अचानक एक अनुसेवक रॉकी कुमार सिन्हा उर्फ सोनू उग्र हो उठा और उसने अपने शरीर पर केरोसिन तेल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक को पकड़ लिया। अनुसेवकों ने कहा कि जिला अधिकारी पर जो आरोप सांसद ने लगाए हैं वो गलत हैं, ये बहाली कोर्ट के आदेश के बाद ही हुई है। मामला 2009 से माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा था, जो रिट संख्या 14866 है, जो 2016 में ज्योति सरन के खंडपीठ के द्वारा हम लोग के जिला पदाधिकारी को 4 सप्ताह में नियुक्ति करने की यह आदेश मिला। जिला पदाधिकारी ने अपने स्तर से पूर्व में वे पैनल को रद्द कर दिए थे, लेकिन ज्योति सरन के आदेश पर पुनः पैनल जिंदा करने का और नियुक्ति प्रक्रिया करने का आदेश मिला, जिसके आलोक में वे ईमानदारी बरतते हुए हम लोग की नियुक्ति प्रक्रिया कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में शरारती तत्व के लोगों ने न जाने कौन सांसद को जाकर झूठे बयान जाके दे दिया कि 1.5 लाख रुपया उम्मीदवार प्रधान लिपिक को जिला पदाधिकारी के दे रहे हैं, लेकिन हम लोग 117 शेष पैनल में उम्मीदवार अनुसेक बचे हैं। अगर सांसद महोदय या आके हम लोग के सभा में यह प्रूफ कर दें। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सांसद सुशील कुमार सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिला अधिकारी के ऊपर आरोप लगाया था कि अनुसेवकों की बहाली में 1.5 लाख रुपए लिया गया है और इसकी जांच होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।